मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये रॉ एजेंसी का ऑफिस है या फिर पार्लियामेंट है जहां दावे किए जा रहे हैं, गारंटीज दी जा रही हैं, सब बेकार, सब बेबुनियाद। सारा, व्हेन यू सेड कि अर्जुन कुछ नहीं कर पाएगा तो याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने तुमसे कहा था कि उसे एक मामूली इंसान मत समझो, कहा था कि नहीं? और साथ में यह भी कहा था कि उस पर नजर रखना। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? मेरी बात को सुनकर उसे अनसुनी कर दी। देख लिया नतीजा? अब बताओ कि तुम्हारा एनालिसिस क्या कहता है मिसेस सारा सैयद? क्या कहता है एनालिसिस? आई वांट टू नो दैट। आई एम सॉरी सर, मैंने अर्जुन को कमजोर समझा, शायद उसकी ताकत से ज्यादा उसका हौसला काम कर गया। आप लोगों की नाकामयाबी की वजह से मेरा सर शर्म से झुक गया। पीएम उसे बार बार फोन आ रहे हैं, वर्ल्ड मीडिया ने तो अनाउंस कर दिया कि इस अटैक के पीछे आईएसआई और यह जंगली आजादी का हाथ है। और वो आमिर शेख, उसे अजमल कासब का अंजाम ना मिले तो बड़े शातिर तरीके से उसे अगवा करके उसे मार दिया। पर हमारी एजेंसी कुछ नहीं कर पाई। वेल सर, हमारे पास ये सबूत है कि ये काम अर्जुन वशिष्ठ का ही है। इरफान, वर्ल्ड मीडिया तो दुनिया को यही कहेगी ना कि आईएसआई ने रॉ के नाक के नीचे से अपने बंदे को यूं करके निकाल लिया। इरफान, हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जो आमिर शेख को मारने का इल्जाम अपने सर पे ले ले, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वर्ल्ड मीडिया के सामने आईएसआई इस बात का क्रेडिट ले जाए। ओके सर, हो जाएगा। एंड फॉर हेवन्स सेक, इससे पहले कि अर्जुन वशिष्ठ कोई और डैमेज करे, उसे जल्द से जल्द वापस लेकर आओ। वी नीड टू कंट्रोल हिम। ओके सर, नोटेड। तुम्हारे एपिक हीरो ने फिर से बखेड़ा खड़ा कर दिया हमेशा की तरह। एटलीस्ट वो कुछ कर तो रहा है, हम क्या करते हैं? रेड टेप से बंधे हुए हैं, मीडिया गेम्स खेलते रहते हैं हम पाकिस्तान के साथ, और अगर ज्यादा गुस्सा आ गया तो उनके साथ क्रिकेट खेलना बंद कर देते। इट्स अ फकिंग जोक। खून नहीं खोलता तुम्हारा बॉम्ब ब्लास्ट में इतने सारे इंडियंस की लाशों को देखकर? खोलता है, बहुत खोलता है। बट व्हाट टू डू, हम सरकारी नौकर हैं सारा, अपनी मनमानी नहीं कर सकते। तो जो कर रहा है उसे तो करने दो, उसे भी रोक के रखा है। देखो, एक बात पक्की है, अब आज के बाद से हम आपके सामने अर्जुन वशिष्ठ का कोई नाम ही नहीं लेंगे। लेकिन उसके नाम का अगर भजन कीर्तन करना हो तो दैट वी कैन डू, उसका नाम जप सकते हैं, अर्जुन वशिष्ठ, अर्जुन वशिष्ठ। ओ शरा परफान। और ये ली सारा, मतलब हर समय अर्जुन वशिष्ठ। Abhishek's killing was neither RAW nor ISI. The man who called Pakistan television show is behind it. And he's working independently. Code name Epic Hero. शाबाश बेटा, दोहराते रहिए आप लोग। हाँ, मीडिया कहती है कि इस कारनामे के पीछे आईएसआई का हाथ है, लेकिन हम जानते हैं कि इसके पीछे ना आईएसआई है ना रॉ। आमिर शेख को किसी मुल्क ने नहीं, एक शख्स ने मारा है, और ये वही शख्स है जिसने मीडिया के सामने सरेआम हमें चुनौती दी है, और वो हमें ललकार रहा है। रॉ में जो हमारे एजेंट्स हैं उन्होंने पता लगाया है, इस शख्स का नाम है अर्जुन वशिष्ठ।
एक जमाने में ये रॉ का सबसे काबिल ऑफिसर हुआ करता था और इसका एजेंट कोड है एपिक हीरो। रॉ छोड़ने के बाद पिछले 15 सालों से काफी गुमनामी के अंधेरे में जी रहा था ये, और किसी ने भी सोचा नहीं था कि ये इस हद तक जा पाएगा। समंदर की कोई उम्र नहीं होती, उसका बस तेवर होता है। समंदर जब खामोश भी होता है ना, तो अपने अंदर एक सैलाब छुपाए रहता है, और जब सैलाब दिखाने का वक्त आता है, सब तबाह हो जाता है। माफ कीजिएगा, मुझसे दुश्मन की तारीफ बर्दाश्त नहीं होती। मेरे लिए वो सिर्फ एक पागल कुत्ता है जो खतरनाक होगा पर समझदार नहीं। हिंदुस्तान में उसने जो किया सो किया, अगर हिंदुस्तान से बाहर निकलने की गलती की तो उसका वो हश्र करूंगा जो एक पागल कुत्ते का किया जाता है। ये तारीफ नहीं है अजमल, ये महज उसकी पहचान। तूफान का मुकाबला हम करेंगे, मगर मुकाबले के लिए तूफान की हद को समझना जरूरी है। और फिर हम तो वो लोग हैं जो तूफान का सर झुकाना जानते हैं। Passport has been issued 8 years ago, but there is not a single visa stamp. You didn't travel for so long? First I had a passport but no money. Now I have money, so come to Doha. Doha is expensive. I have expensive tastes. How long do you plan to stay in Doha? 1 week. Welcome to Doha. डेटा इज डेटा, अगर वक्त पर नहीं मिलता देन इट्स नॉट डेटा। आई वांट इट राइट नाउ। मैम, हमारा एपिक हीरो, ही इज ऑन द मूव। उसने अपना एक पुराना पासपोर्ट यूज किया जो हमारे पास फेडिंग था। हमारा सिस्टम उसके अलग अलग पासपोर्ट्स को ट्रैक कर रहा था, एंड द मिनट ही यूज्ड दिस वन, वी इंस्टेंटली गॉट अ नोटिफिकेशन। कहाँ यूज किया पासपोर्ट? दोहा एयरपोर्ट, 10 मिनट्स अगो। गुड जॉब, गेट मी द फुल डिटेल्स। मिल गया अर्जुन वशिष्ठ, दोहा कतार, 10 मिनट पहले उसने इमिग्रेशन क्रॉस किया। दैट्स वेरी नाइस, कीप हिम कंटेंड देयर। मैं चाहता हूँ तुम एक टीम तैयार करो जिसे तुम खुद हेड करो, वहां जाओ और उसे वापस लेकर आओ। Yes, sir. Doha security is cooperating. They're sending in the airport cam feed right away. And now on screen, Doha airport का security footage. Wait a minute. Freeze the frame. मुझे जानना है कि अर्जुन वशिष्ठ है कि नहीं। Right away. Doha police has tracked him down and he is on standby. कहाँ है? किसी होटल के बाहर है। This has to be a joint operation. Connect me to the commander. Yes, ma'am. Ma'am, line 2. Commander Rehman? Yes, ma'am. Is it definitely Arjun Vashisht? Positive ID? Positive. Good. Go ahead. Yes, ma'am. The cops have reached on the location. I need to see this. Now on screen, Doha police ka security camera footage. Don't shoot, don't shoot. I am innocent. This is a terrible mistake. He gave me money and told me to have a holiday. I'm sorry. Sorry. He played us. हम एयरपोर्ट से ही गलत इंसान को फॉलो कर रहे थे। अर्जुन वशिष्ठ दोहा एयरपोर्ट जरूर पहुंचा है, लेकिन उसके बाद गायब।
Still good at his game. इस मीटिंग की वजह क्या है कि फौजेंद काफी टाइम से सुर्खियों में नहीं आया और आजकल बहुत सुर्खियों में आ रहा है बहुत दिनों से. ठीक है, सुर्खियां बांट लेते हैं आपस में. आमिर शेख की हत्या की जिम्मेदारी तुम लोग लोगे? क्यों? रॉ को शर्म आ रही है क्या? उनके पुराने एजेंट ने उनके नाक के नीचे से आमिर शेख को भगा लिया. ऐसा समझ लो. ये मत बोलो कि रॉ ने तुम लोगों को बनाया है. खत्म ही कर सकता है. आमिर को मारने की जिम्मेदारी तुम लोग लोगे. माफ कीजिएगा सर, लेकिन आप जानते हैं कितने साल लगे हैं फौजे हिंद को इन्फिल्ट्रेट करने में, और अगर ये हो गया तो इतने सालों का मिशन बेपानी फिर जाएगा. और मेरा मिशन फौजे हिंद है और उसके साथ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता. सज्जाद, तुम्हारा मिशन वो है जो मैं कह रहा हूँ. लेकिन मैं उन्हें क्या बोलूँगा? वो क्यों क्रेडिट ले रही है उनको पता भी नहीं है. मुझे लगता है कि तुम लोग ये नहीं चाहते कि ISI इसका क्रेडिट ले. अभी हाल ही में जो बम ब्लास्ट हुआ था तो उसकी वजह से देश का मॉरल डाउन है. अब ये आमिर वाला कांड होता है तो फिर वो और डाउन हो जाएगा. तो जैसा तुम्हें बोल रहे हैं वैसा करो और उसमें हामी भरो. ठीक है, बिस्मिल्लाह करो. Well, we've got a good scoop. आमिर शेख केस में. Shoot. मेरी verified sources से पता चला है, आमिर को जिस आदमी ने मारा था वो कोई ISI agent नहीं, terrorist भी नहीं था, ex-RAW agent था. You know what this means, right? Big story बन सकती है. Are you sure about this? Very sure. Turn on the TV. What? I said turn on the TV. अभी अभी मिली खबर के अनुसार ये पता चला है कि एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक संगठन फौजे हिंद ने आमिर शेख के अपहरण और उनके कत्ल की जिम्मेदारी ली है. हमारे राइवल चैनल के पास ऑलरेडी स्टोरी है. There goes your story. और कोई रॉ या ISI नहीं, ना कोई हीरो. यस सर, आप भी? केरला के? यस सर, राइट, केरला, कोची फ्रॉम केरला. ये आदमी जो वहाँ बैठा है कौन है वो? अल मगरीबी, दुबई का बहुत रिच और डेंजर आदमी होता साहब. बेशुमार दौलत और दहशत दोनों का मालिक होता. यहाँ रह के उर्दू बोलना सीख गया? यस सर, थोड़ा थोड़ा. ये कौन है? अल मगरीबी की मोहब्बत फरा अली. या हबीबी, तारीफ कम शॉपिंग फॉर अल्तुल योम कितीर. थैंक्स.
والله زرت الكل محلات في المول. شوف كيف جميل هذا الفستان. أستاري شوي لونجري لي ساعدت حبيبي. والله كل شوبينج تمام مو مول حتى قاد القديم. جان do you love me? يلا ازور البيت هذا الاسبوع. والله انت غير مهتم بكلامي. شو فايدة الا اختار فلوسي شو افلين خلوك حبيبي خلاص لا اتكلم معك. والله اكسومي زين لو اجازك انا ذهبة. الله يا ربي حبيبتي اسماعيل انا حمزه. اه يا ربي استغفر الله يا الله حبيبي استغفر الله. मोहब्बत को बारूद की जरूरत कब से पड़ने लगे? सारा अली तुम किसी की मोहब्बत को नहीं हो सकते। सवाल ये है कि तुम हो कौन?